इस वक्त हम मौजूद हैं जिला कोटली तहसील नकियाल के इलाके संधारा में। यहाँ से हमें ये शिकायत मौसूल हुई थी कि यहाँ बाज़ार के अंदर बहुत ज़्यादा अशियाए खुर्दोनोश और इसके अलावा जो मोबाइल कंपनियों के कार्ड हैं वो बहुत ज़्यादा कीमत वसूल की जा रही है उनकी। इस हवाले से हम अवामी इलाका की शिकायत पर और कुछ दीगर लोगों की शिकायत पर हम यहाँ पर आए हैं। हमने देखा है कि जिन हज़रात की वो शिकायत थी उनकी दुकान ये बंद है। आप देख सकते हैं कि दुकान इस वक्त बंद है, वो दो तीन दिन से वो आदमी यहाँ दुकान पर नहीं आ रहा। हमें यह भी इतला मिली है कि कुछ की देर बाद असिस्टेंट कमिश्नर नकियाल जनाब सरदार उमर फारूक साहब वो भी यहाँ पर तशरीफ़ लड़ने वाले हैं। वो खुद भी यहाँ बाज़ार का दौरा करेंगे, यहाँ खुद भी चेक करेंगे। हम अवामी इलाका की शिकायत पर यहाँ पर आए, हमने देखा कि वाकई दुकान बंद है। अवामी इलाका का और मुख्तलिफ लोगों का ये कहना था कि जो 100 का कार्ड है वो 110 और उसको 120 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। और जब उनकी ये वीडियो वायरल होती है सोशल मीडिया पर तो मुख्तलिफ तरह की धमकियाँ भी आती हैं। हमारे साथ मुअज़्ज़िन में से मौजूद हैं पीर सैयद तसव्वुर हुसैन शाह साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। इस हवाले से हम उनसे बात करते हैं। जी पीर साहब, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया बोलने का, बहुत बहुत शुक्रिया। स्वामी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सैयद तसव्वुर हुसैन शाह, अरसा दराज से मैं 50-60 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ। तो मैं भी इधर कारोबार करता हूँ लेकिन जायज़ नहीं। ये आप ये जो इनकी ये लोग करप्ट हैं, इनकी वो करप्शन पकड़ी जाती है, फिर बाद में ये कहते हैं धमकियाँ देते हैं। इनके वो छोटे छोटे नन्हे बेटे हैं उधर सऊदीया में कीड़े निकल, जो हमें धमकियाँ दे रहे हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। अगर मुँह है बात करो, ये धमकियाँ देने की या गाल गोल करने की क्या ज़रूरत है? हम नहीं डरेंगे। ये मजलूम गरीब आवाम की खातर हम मैदान में निकले हैं। अगर मेरी जान भी चली जाए मैं डरने वाला नहीं हूँ। दुनिया मुझे जानती है, मैं 2 साल से बोल रहा हूँ इस गरीब मजलूम आवाम की हक की खातर। और ये डराते हैं, धमकियाँ देते हैं उधर। आपको धमकियाँ फ़ोन करके दी जा रही हैं या किस तरह? वीडियो ज़रा चेक करें। ये ठीक है, वो भी मैं देख लूँगा। वीडियो आपको धमकियाँ दी जा रही हैं कि आप वीडियो अपलोड ना करें, आप इस तरह की बातें ना करें। वो बहुत गंदी गाली गाल गोल कर रहे हैं। ये कोई अच्छी बात है? और इनको बात है तो बैठ कर करो। आपका वालिद मौजूद है, ये बंदे इधर के रहने वाले हैं, सब बात ये बाजार वालों की मैं मानता हूँ। मैं इनकी बहुत बड़ी कदर करता हूँ, ये मेरी भी कदर करते हैं। मैं 50-60 साल से कोई आदमी सामने आ जाए तो धमकी मिलती है। आप देखिए मेरे पास, इन शाह से प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट आ गया है, उसके मुताबिक जो है ना जिस तरह की उसकी कोई नियत होगी केस की, उसके मुताबिक इंशाल्लाह हम उसकी कार्रवाई करेंगे। जी बहुत मेहरबानी नाजरीन। ये महंगाई करने वाले, मुस्लिम महंगाई करने वाले जो हैं उनके ख़िलाफ़ हुकूमत की तरफ से अलाने जंग किया जाता है, क्योंकि हुकूमत के की तरफ से जो तय करदा रेट हैं उन पे आप अपनी अशियाए खुर्दोनोश जो है वो बेच सकते हैं। उसके अलावा आप किसी तरह की कोई जो है वो ज़ाती महंगाई नहीं कर सकते। असिस्टेंट कमिश्नर फतेहपुर थकियाला सरदार उमर फारूक साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनका भी ये कहना है कि जो बंदा भी अपने तौर पर महंगाई करेगा कानून उसके खिलाफ ज़रूर हरकत में आएगा और हम उसके साथ कानूनी कार्रवाई करेंगे।